दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कामुठी में हर रोज औसतन 7 घंटे से भी ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, और इसीलिए ये बहुत ही सही जगह है इस तरह का विशाल सोलर फार्म बनाने के लिए। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि ये पावर प्लांट असल में कितना बड़ा है। ₹25 लाख सोलर पैनल्स मिलकर 648 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक है, और इससे लगभग 1.5 लाख घरों को पावर सप्लाई की जा सकती है। ये पूरा प्रोजेक्ट 1000 हेक्टेयर में फैला है, जो आप यूं समझिए कि 950 ओलंपिक साइज के फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। ये इस प्लांट में 38,000 पाइल फाउंडेशंस हैं और 30,000 स्ट्रक्चरल स्टील हैं। ये जरूरी है कि मांग को पूरा करने के लिए ये सोलर फार्म अपनी अधिकतम कुशलता से काम करे। इसके लिए अनिल गुप्ता और इनकी टीम को सुनिश्चित करना होगा कि सूरज की किरणों और पैनल के फोटोवोल्टेइक सेल्स के बीच में कोई चीज ना आए। अनिल ने सोलर पैनल्स पर छाया डालने वाली लंबी घास और झाड़ियों को हटाने के लिए 20 ग्रास कटर्स की एक टीम बुलाई है। पर गर्मी और गांव के माहौल के कारण एक और समस्या सामने आई है, धूल। पैनल्स पर हर रोज धूल की एक परत बैठ जाती है, जिसका सीधा असर पड़ता है कुशलता पर। पानी के जेट से पैनल्स को साफ करने में बहुत समय लगता है और बहुत लोग चाहिए होते हैं। तो अनिल ने एक नया तरीका ढूंढा है। पच्चीस विशाल रोबोटिक मॉप्स हर एक 100 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट की दर से घूमता है। एक सोलर पावर्ड मोटर सोलर पैनल्स पर लगे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पर उन मॉप्स को ऊपर और नीचे ले जाती है। एक हिस्से के साफ हो जाने के बाद फ्रेम अपने आप साथ वाले अगले पैनल पर चला जाता है। एक मॉप को 245 मीटर लंबी सोलर पैनल्स की एक लाइन को साफ करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। ये रोबोटिक मॉप्स हर रोज काम करते हैं, ताकि ये सोलर फार्म उन प्राकृतिक रिन्यूएबल रिसोर्सेस को अच्छे से कैप्चर कर सके, जो भारत को अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए चाहिए। भारत चाहता है कि ये 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। इस वक्त हम 2.7 पर हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। जब भारत आगे बढ़ेगा तो जाहिर है ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी, और इससे हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम कर पाएंगे। तो हर लिहाज से ये सोलर प्रोजेक्ट अच्छी चीज़ है।